हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्राइम लर्निंग। दिस इज भारती शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर ब्रेड के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हम पार्ट ए को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जिसमें वो आ सकते हैं आईसीएमआर के एग्जाम में, तो उन सभी क्वेश्चंस के ऊपर हमारे यहाँ पे फोकस रहने वाला है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्पाइडर डायग्राम शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स इन 5 टेस्ट एंड वी हैव टू टेल द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि 10 नंबर हैं, ठीक है, और 5 जो है टेस्ट हैं और 3 जो है क्या है स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट 1 है, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है एंड स्टूडेंट सी है। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट नंबर 3 है, ठीक है, टेस्ट सेकंड है, टेस्ट फर्स्ट है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। इस तरह से 5 ही टेस्ट हैं और स्टूडेंट्स में 3 हैं, तो ये स्पाइडर वेब के रूप में, ठीक है, ये डायग्राम शो किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे कहा है, ठीक है, ए स्कोर्ड मोर देन सी इन टोटल। ठीक है, एक एक ने स्कोर करा है सी से ज़्यादा टोटल में। ठीक है, सबसे पहले ए के काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये 9 है, ठीक है, तो ए ने सबसे पहले स्कोर करा, ए का स्कोर अगर हम देखें 9 है टेस्ट ए में। ठीक है, और टेस्ट बी की बात करते हैं तो टेस्ट बी में इसने कितने हैं 1 2 3 4 5 टेस्ट बी में इसने स्कोर करे हैं 5। ठीक है, और टेस्ट 3 में इसने कितने स्कोर करे हैं, टेस्ट 3 में इसने स्कोर करे हैं 7 8 8 9 10 कितने हैं 8। ठीक है, 8 हैं और टेस्ट 4 में कितने हैं दैट इज 5। टेस्ट 5 में कितने हैं इसके, टेस्ट 5 में इसके 1, कितने हैं 1 प्लस 1, टोटल कितने हो गए 10 20 28। ठीक है, और सी के अगर हम काउंट करते हैं जो स्टूडेंट सी है रेड वाला, इसके कितने हैं टेस्ट 1 में जो है रेड के कितने हैं दैट इज 3। ठीक है, टेस्ट 1 में है इसकी 3 प्लस टेस्ट 2 में इसके कितने हैं, ठीक है, टेस्ट 2 में है इसके 4, टेस्ट 3 में है 10, टेस्ट 4 में है इसके 7 और टेस्ट 5 में है इसके 8। तो टोटल अगर इसको हम करते हैं तो कितना आएगा 10 17, दैट इज 20 28 प्लस 4 कितना हो जाता है मेरे पास 32। ठीक है, तो ए स्कोर मोर देन सी इन टोटल, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट इज राइट। ठीक है, जो गलत है वही सही है। ठीक है जी, अगर हम सेकंड की बात देखते हैं तो बी के स्कोर हाईएस्ट है टोटल में। ठीक है, अगर हम फर्स्ट हमारा अगर इनकरेक्ट निकल गया तो बाकी करने की हमें जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कार्डबोर्ड शीट ऑफ अ साइज 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कार्डबोर्ड है शीट की साइज का। ठीक है, इसकी जो साइज है, ठीक है, साइड है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यूज टू मेक अ हॉलो क्यूब, इसको हम यूज करेंगे हॉलो क्यूब बनाने में, हैविंग साइड्स ऑफ 5, उस क्यूब की साइज कितनी है 5। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी मेड। ठीक है, इसमें से कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जिसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना है 6a² दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 यहाँ पे इसकी साइड है ना, कितना आ गया 6 × 25 दैट इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, और अगर हम एरिया ऑफ शीट निकालें तो एरिया ऑफ शीट कितना आएगा, एरिया ऑफ
शीट कितना आएगा, दैट इज 60 × 60, दैट इज 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे पूछा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आएंगे, तो क्या आएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ शीट डिवाइडेड बाय टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वो कितना है 3600 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है, 15 × 2 = 30 and 4 = 60, तो कितना हो गया 24। यहाँ पे जो क्यूब्स हैं वो बनेंगे, ठीक है, किससे, 60 × 60 सेंटीमीटर की शीट से। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द राइट वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 2 mangoes, 1 coconut, 2 bananas इज 71, वाइल द कॉस्ट ऑफ द 5 mangoes, 3 coconut and 4 bananas इज 182। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 mango and 1 coconut। देखो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 mangoes हैं, ठीक है, उसकी कॉस्ट प्लस 1 coconut है उसकी कॉस्ट प्लस 2 bananas हैं, टोटल कॉस्ट कितनी है सबकी 71। सेकेंड हमें दिया है कि 5 mangoes हैं, ठीक है, 3 coconut हैं, ठीक है जी, प्लस 2 + 4 यहाँ पे कितने हैं बनानास हैं, ठीक है, और इन सब की कॉस्ट कितनी है 182। अब यहाँ पे पूछा है कि कॉस्ट ऑफ 1 mango and 1 coconut, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सेम करने के लिए यहाँ पे देखो बनाना और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 बनाना है, यहाँ पे 2 बनाना है, तो अगर मैंगो और कोकोनट की यहाँ पे जो कॉस्ट पूछी है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस जो फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 2 × 2 = 4 यहाँ पे आ जाएगा मैंगोज, प्लस 2 × 3 = 6 यहाँ पे आ जाएगा कोकोनट, प्लस सॉरी या इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सॉरी टू यहाँ पे कोकोनट, ठीक है, 2 × 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा बनाना, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 142। अब हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को इससे क्या करेंगे माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे तो 4 से 4 पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आएगा 0 एंड 40, ठीक है, इज इक्वल टू 4, ठीक है, 5 mangoes में से 4 mango माइनस करें तो 1 mango, प्लस 3 coconut से 2 coconut माइनस करें तो 1 coconut, तो 1 mango प्लस 1 coconut की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, कॉस्ट आएगी वो कितनी है, दैट इज 40। सो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग ग्राफ शोज द मोर्टेलिटी रिस्क ऑफ द डिजीज विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर ए एंड बी, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर ए दिया है, पैरामीटर बी दिया है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरामीटर इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट मोर्टेलिटी रिस्क, ठीक है, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए कितना है, ठीक है, ए है हमारे पास 100, माइनस बी कितना है, इसकी कितनी है, दैट इज 85, कितना हो गया 15, ठीक है, सो द लोएस्ट वैल्यू ऑफ बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करेंगे तो नेगेटिव में वैल्यू चल जाएगी तो गलत हो जाएगा, ठीक है, द लोएस्ट वैल्यू ऑफ बोथ ए एंड बी, नहीं द हाइएस्ट, नहीं, ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट आंसर है दैट विल बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फैमिली ऑफ 2 males and 3 females, ए इज द डॉटर ऑफ बी एंड सिस्टर ऑफ सी, ई इज द स्पाउस ऑफ बी एंड मदर ऑफ डी, C is the not brother of D. Which of the following statement is not correct? ठीक है, सबसे पहले आप देखो जो A है वो B की क्या है, daughter है, ठीक है, ये B है ना, इसकी daughter कौन है, A है, ठीक है, और and the sister of C, और C की ये क्या है, sister है, ठीक है जी, इसका मतलब क्या है कि A जो है एक फीमेल है, ठीक है, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या बताया है,
जो ई है, ई इज स्पाउस ऑफ बी, स्पाउस के लिए इस तरह से यहाँ पे ई इज द स्पाउस ऑफ बी, के मतलब ये भी एक फीमेल है, ठीक है, ई इज द स्पाउस ऑफ बी एंड द मदर ऑफ डी, और डी की क्या है, ये मदर है, ठीक है, डी की क्या है, ये मदर है, एंड सी इज द नॉट, सी इज नॉट द ब्रदर ऑफ डी, ठीक है, सी जो है वो डी का ब्रदर यहाँ पे नहीं है, मे बी दिस इज अ फीमेल, मे बी दिस इज अ फीमेल, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ई इज द मदर ऑफ ए, ठीक है, ई इज द मदर ऑफ ए, हाँ हो सकता है, डी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी इज द सिस्टर ऑफ सी, नहीं, देखो अगर ये फीमेल है, ये फीमेल है, ये फीमेल है, और एक ये मेल है और एक ये मेल है, ठीक है, यहाँ पे टू मेल्स बताए हैं और थ्री फीमेल्स बताए हैं, तो यहाँ पे ये भी क्लियरली बोला है कि सी इज नॉट अ ब्रदर ऑफ डी, अगर सी यहाँ पे ब्रदर नहीं है तो फिर सी सिस्टर हो सकती है, ठीक है, सी सिस्टर हो सकती है डी की, लेकिन डी सिस्टर नहीं हो सकता सी की, ठीक है, डी विल नॉट बी द, ठीक है, डी विल नॉट बी द सिस्टर ऑफ सी, डी कैन नॉट बी द सिस्टर ऑफ सी, तो जो सेकंड स्टेटमेंट है नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछे, तो और पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है, ये तो करेक्ट बात है, सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी इज द डॉटर ऑफ बी, हाँ हो सकता है, ए इज द सिस्टर ऑफ डी, ए इज द सिस्टर ऑफ डी, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन डी इज द सिस्टर ऑफ सी ये नहीं हो सकता, ठीक है, दैट मीन्स सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्राफ शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ स्पैन इन ईयर्स फॉर इंडिविजुअल फॉर स्पीशीज वन एंड टू, ठीक है, स्पीशीज वन है, ये स्पीशीज टू है, इफ द न्यू एंड द सिग्मा रिप्रेजेंट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लाइफ स्पैन रिस्पेक्टिवली, ठीक है, म्यू यहाँ पे क्या बताया है, म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, अब यहाँ पे पूछा है कि मीन ऑफ वन एंड टू इज इक्वल, ठीक है, तो ये बताने से पहले हम निकालेंगे इसका मीन, ठीक है, जो स्पीशीज ए है, ठीक है, ए के लिए कैसे मीन निकालेंगे, दिस इज वन इंटू टू प्लस टू इंटू एट प्लस थ्री इंटू एट प्लस फोर इंटू टू, ये फोर है, ये टू है, ठीक है, फोर इंटू टू थ्री इंटू एट, इस तरह से हम इसका क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, टोटल ये कितने हैं, दैट इज फोर, तो कितना आएगा, टू एट, एट इंटू टू कितना हो गया, सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर प्लस एट अपॉन फोर, टोटल कितना हो जाएगा ये, फिफ्टी अपॉन फोर, सो समवेयर इन 12.5, ठीक है, 54 12.2, इतना ये मीन आएगा इसका, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीशीज टू की, ठीक है, स्पीशीज बी की अगर बात करें तो ये कितना होगा, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 8 प्लस सॉरी 1 इंटू 5 2 इंटू 5 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 4 होगा 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 20 35 40 50 50 अपॉन 4, ठीक है, 50 अपॉन 4, दैट मीन्स दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, इसका मतलब है कि जो मीन होगा, ठीक है, ये तो नहीं हो सकता, मीन 1 और 2 का क्या है, वो सेम है. अब अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट है, ये इसमें तो देखो ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है,
वो कम है, बट जो सेकंड वाले में ग्राफ इस तरह से जा रहा है, इसका मतलब ये है कि सेकंड वाले में जो है सेकंड जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, उसका लाइफ स्पेन क्या है वो ज़्यादा है, ठीक है, सेकंड वाले स्टैंडर्ड डेविएशन है इज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, ठीक है, इस तरह से जो फोर्थ ऑप्शन है दैट विल बी द राइट वन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ लायर ऑलवेज लाई एंड ट्रूथफुल पर्सन नेवर एंड इन अ ग्रुप ऑफ 10% एवरीवन कॉल्स ऑल अदर्स लायर्स एंड द नंबर ऑफ द लायर्स अमंग द 10, ठीक है, लायर जो है हमेशा लायर है, ट्रूथफुल पर्सन हमेशा और ट्रूथफुल पर्सन लायर नहीं है कभी भी. एक ग्रुप है 10 लोगों का जिसमें कि सब एक दूसरे को कह रहे हैं कि तू लायर है, तू लायर है, तू लायर है, इस तरह से कह रहे हैं. तो उसमें से बताना है कि जो नंबर ऑफ लायर है वो कितने हैं, ठीक है. अब देखो 10 लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि तुम लायर हो, तुम लायर हो, तुम लायर हो, इसका मतलब ये है, ठीक है, उसमें से कोई एक जो है वो ट्रू बोल रहा है, ट्रूथ बोल रहा है, और जो 9 है, ठीक है, सब एक दूसरे को कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो 9 है दैट विल बी लायर, ठीक है. तो क्योंकि अगर 10 के 10 तो अब लायर नहीं हो सकते, अब सब ये कर, अभी सब ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम लायर है, हम लायर है, कह रहे कि तुम लायर हो, तुम लायर हो, तुम लायर हो, एक दूसरे को कह रहे हैं, तो कोई एक जो है वो ट्रूथ बोल रहा है और बाकी के जो हैं वो लायर्स हैं, इसलिए जो सेकंड ऑप्शन है, ठीक है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ पेंसिल्स आर इरेजर एंड सम इरेजर्स आर शार्पनर, ठीक है, पेंसिल जो हैं इस तरह से अगर मैं ये बनाऊँ तो ये पेंसिल हैं, ये क्या है, ये इरेजर हैं, ठीक है जी. चलो इसको अलग कलर से अगर हम बनाते हैं, पेंसिल्स आर, ये हमारी जो पेंसिल हैं वो क्या है, वो इरेजर हैं, एंड सम इरेजर आर शार्पनर, और कुछ जो इरेजर है, ठीक है, और कुछ जो इरेजर हैं दैट आर शार्पनर, ठीक है, एंड सम इरेजर आर क्रियोन, और कुछ इरेजर जो है वो क्रियोन है, एंड नो क्रियोन्स आर शार्पनर बट सम क्रियोन्स आर पेंसिल, ठीक है, शार्प ये शार्पनर का है, ठीक है, ये है शार्पनर, ठीक है, और ये ग्रीन वाला जो है ये क्या है, ये है इरेजर, इरेजर है, ठीक है, और ये जो रेड है ये क्या है, ये है पेंसिल, और यहाँ पे कह रहा है कि कुछ इरेजर जो हैं वो क्रियोन हैं बट कोई भी क्रियोन शार्पनर नहीं है, मतलब इससे तो लिंक नहीं करेगा, बट कुछ क्रियोन जो है पेंसिल है, पेंसिल भी है और इरेजर भी है बट वो शार्पनर नहीं है, दैट मीन्स दीज आर क्रियोन्स, ठीक है. देन इन द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय शेडेड एरिया, तो ये बताओ कि शेडेड एरिया जो है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, पेंसिल एंड शार्पनर बट नॉट इरेजर, नहीं इरेजर भी है, ठीक है, सॉरी जो शेडेड एरिया है ये वाला, शेडेड एरिया है उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, ठीक है, पेंसिल एंड शार्पनर बट नॉट इरेजर एंड पेंसिल एंड शार्पनर, नहीं शार्पनर तो नहीं आएगा, शार्पनर तो नहीं आएगा, पेंसिल एंड इरेजर, पेंसिल एंड इरेजर, नहीं यहाँ पे इरेजर भी नहीं आएगा, पेंसिल इरेजर एंड शार्पनर बट नॉट क्रियोन, पेंसिल शार्पनर तो नहीं आएगा, ठीक है, क्रियोन तो आ रहा है देखो, ठीक है, इरेजर यहाँ पे भले नहीं आ रहा बट यहाँ पे क्रियोन तो आ रहा है देखो, उसकी लास्ट है पेंसिल इरेजर एंड क्रियोन, ठीक है, पेंसिल भी है, ठीक है, इरेजर भी है, ठीक है, लिंक कर रहा है, ये क्रियोन भी है, ये हो सकता है बट नॉट शार्पनर, ये शार्पनर यहाँ पे नहीं है, तो जो फोर्थ आंसर है दैट इज द राइट वन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेस बोर्ड कंटेन 64 स्क्वेयर of 5 cm in size and 8 rows, 8 columns alternatively, okay, black and white, which is the following, what is the total length of the edge in meter between the squares in the chessboard, okay, is tarah se bataya hai, dekho ek chessboard hai is tarah se uski batayi hai ki wo 64 squares hain to 8 jo hai wo rows hai is tarah se 1 2, 3, 4, 5
7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, कितने कॉलम्स हैं, 64 हैं, ठीक है, 64 स्क्वायर्स हैं इसमें, और उसका साइज कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पूछा है कि जो टोटल लेंथ है ऑफ द एच इन एच इन बिटवीन द स्क्वायर्स इन द टोटल लेंथ ऑफ एच बिटवीन दी, ठीक है, लेंथ ऑफ एच बिटवीन द स्क्वायर इन अ डैशबोर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर h की हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस h, एक h को हम नहीं लेंगे तो अंदर वाले इनको लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ वन h कितना आ जाएगा, 5 into 8, that is 40 length of one horizontal edge। अब हम निकालेंगे length of 7, इसको नहीं लेंगे हम, ठीक है, एच को हम नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 horizontal edge, that is 40 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो गया, 280। इसी तरह हम जो है वो वर्टिकल का भी लेंगे, ठीक है, वर्टिकल के भी जो 7 वर्टिकल्स हैं उसमें भी कितना आएगा, दैट इज 280, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल और अगर वर्टिकल, इसको लेंथ को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो वर्टिकल प्लस हॉरिजॉन्टल को अगर प्लस करेंगे, दैट इज 7 उनको 280 प्लस 280, दैट इज 560, ठीक है, 560 जो है, ठीक है, इन बिटवीन द एज वो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल लेंथ आ जाएगी इन द स्क्वायर चेस्टबोर्ड। और अगर इसको हमें, ठीक है, मीटर में पूछा है तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया था, मीटर में पूछा है तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5.6 मीटर, ठीक है, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, 5.6 मीटर, दैट इज थर्ड विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करनी है ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स, ठीक है, कितनी ट्राइंगल्स हैं इस फिगर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ऐसी फिगर कहीं भी दिखती है, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे 8 ट्राइंगल आपको दिख रही है, इसको क्या करना, 8 × 2, इसको 2 से क्या कर देना, आपको मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 16, ठीक है। उसके बाद कौन सी ट्राइंगल बच गई हमारे पास, दैट इज 1 and 2, ठीक है, दो ट्राइंगल ये होगी, प्लस कितना हो गया, 2, ठीक है। उसके बाद एक ट्राइंगल है ये वाली 1 2, ठीक है, कितनी होगी, प्लस 2 और होगी, और एक ट्राइंगल जो है वो कौन सी है, ये वाली, कितनी होगी, प्लस 1, तो टोटल ट्राइंगल हमारे पास कितनी हो गई, दैट इज 21, ठीक है, 21 इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच ऑल।